तो फाइनली ये वीडियो लाइटरूम के ऊपर ही रहेगी। तो इस वीडियो में आपको मैं ऐसे टॉप 5 ट्रिक्स बताऊंगा लाइटरूम के ऊपर, जो कि आपको बहुत पसंद आएंगे। और बस कीजिए वीडियो एंजॉय। तो ये पहली ट्रिक उन लोगों के लिए जिन लोगों के में लाइटरूम ऐप बिल्कुल हैंग करता है, मतलब चलता ही नहीं है, उन लोगों के लिए पहली ट्रिक है और बहुत ही बेस्ट ट्रिक है। अगर आपके मोबाइल पे कुछ इस तरह का हैंग और लो बजट वाला है, तो आपको बेसिकली यहाँ पे डिवाइस एंड स्टोरेज में आकर जो SSD वाले यहाँ पे ऑप्शन रहता है, उसे बस एनेबल कर देना है और आपका मोबाइल कभी भी हैंग नहीं करने लगेगा जब भी आप लाइटरूम ऐप ओपन करो। तो यहाँ पे सेकेंड ट्रिक करने के लिए आपको अपना जो इंटरनेट रहता है मोबाइल डाटा, उसे ऑन करना पड़ेगा कुछ इस तरह से। और यहाँ पे जो लाइटरूम में फर्स्ट ऑप्शन रहता है होम वाला, उसे यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे होम वाला ऑप्शन यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको जो लर्न वाला है उसे क्लिक नहीं करना है। और यहाँ पे जो डिस्कवर वाला नीचे कुछ स्क्रॉल करने के बाद डिस्कवर वाला जो ऑप्शन है उसे बस क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको जो भी प्रीसेट पसंद आया बस उसे क्लिक करना है कुछ इस तरह से। और यहाँ पे एडिट्स दिख रहा है कुछ इस तरह का, एडिटिंग आप अपने फ़ोन में बस एक ही क्लिक में कर सकते हो। तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पे बेसिकली देख भी सकते हो कि कौन कौन से कैसे कैसे एडिट किया है। तो बेसिकली आपको अगर इसका प्रीसेट भी सेव करना है तो यहाँ से आप रीनेम करके इसका प्रीसेट सेव कर सकते हैं, और बार बार यही जो सेटिंग्स रहते हैं उसे आप अपने किसी भी फोटो में आप अप्लाई कर सकते हो। तो कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पे फ्लावर इमेज बोल के यहाँ पे एक इमेज क्लिक करा है कुछ इस तरह से। अगर आपको प्रीसेट नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, यहाँ पे जो ट्री अकाउंट वाला उसे क्लिक करना है और बस ओपन करके यहाँ पे कॉपी सेटिंग कर लेना है। जो भी इसकी जो भी सेटिंग्स रहेंगे कि क्लिक में यहाँ पे कॉपी हो जाएंगे, और आप इसे किसी भी कौन से भी अपने जो ओरिजिनल फ़ोटो रहता है उसमें अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे बस इसे पे सेटिंग कर सकते हो और बस एक ही क्लिक में आपका फ़ोटो एडिट हो जाएगी। अगर आपको ये वाला ट्रिक पसंद आया तो 1 लाख तो बनता है ना यार। तो यार चलो चलते हैं नेक्स्ट ट्रिप की ओर। तो ये ट्रिक उन लोगों के लिए जो कि बहुत बजट फ़ोन यूज़ करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आप देख ही सकते हो कुछ इस तरह की पिक को हम यहाँ पे वाइड एंगल वाला एक लुक देंगे। आपके मोबाइल में अगर वाइड एंगल वाला ऑप्शन नहीं रहेगा तो आप वाइड एंगल वाला कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप रेस्टोर बोल के एक ऑप्शन देख ही सकते हो, बस उसे यहाँ से ऑन करना है। और जो भी यहाँ पे वाइट बॉर्डर्स होते हैं उसे निकालने के लिए आपको एक कंस्टेंट क्रॉप बोल के ऑप्शन को क्लिक करना है। आप बेसिकली इसे आई फिश आई वाला एक ऑप्शन भी देख सकते हो, या फिर वाइड एंगल वाला भी एक लुक दे सकते हो। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हो कुछ इस तरह का एक वाइड एंगल वाला यहाँ पे लुक हमारा आ चुका है। तो बिफोर पिक कुछ इस तरह का था और आफ्टर पिक कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे नेक्स्ट ट्रिप में आपको बताने वाला हूँ कि कौन से भी आपका पिक रहेगा उसे HD कैसे करते हैं, मतलब फुल HD आप यानी कि कैसे कर सकते हो। बस ये एक ही क्लिक में यहाँ पे आप फुल HD कर सकते हो। आप यहाँ पे देख ही सकते हो ये मेरा पिक मैंने यहाँ पे गैलरी में ओपन किया है। तो इसका जो डिटेल्स में यहाँ पे जाके साइज़ देखेंगे तो 72 KB का एक सिर्फ फ़ोटो है। तो इसे हम फुल HD में यानी कि इसका साइज़ कैसे बढ़ा सकते हैं, वो भी सिर्फ एक ही ट्रिक से, और वो भी सिर्फ लाइटरूम में। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का अपने को एक आप देख सकते हो कि ये इमेज कितना फट रहा है यहाँ पे और पिक्सल्स कितने फट रहे हैं यहाँ पे। तो इसका सेटिंग करने के लिए आपको यहाँ पे जो शार्पनेस वाला जो ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे, तो उसे यहाँ पे 30 पे लेके आना है। वो बिल्कुल 30 पे ही आपको यहाँ पे शार्पनेस लेके आना है। और कुछ इस तरह से आपको एक क्लियरिटी बोल के एक ऑप्शन और एक मिलेगा यहाँ से, और जो कि मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो क्लियरिटी को भी आपको यहाँ पे 30 पे लेके आना है, और यहाँ पे टेक्सचर्स को भी आपको यहाँ पे 30 पे लेके आना है। तो कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे ऊपर जैसे कि आप देख ही सकते हो कि इसे वाला एक ऑप्शन है या फिर 3rd नंबर पे, उसे बस क्लिक करना है और एक्सपोर्ट पे यहाँ पे क्लिक करना है। तो ये एक्सपोर्ट आपका ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक सेटिंग करना पड़ेगा, लार्जेस्ट अवेलेबल डायमेंशन में आपको बस इसे इस पिक को ओपन करना पड़ेगा, और यहाँ पे JPG में इसे क्लिक करना पड़ेगा, और बस वो मार्कर को यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा और आपकी फ़ोटो HD में यहाँ पे सेव हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं गैलरी में जाके आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे मेरी जो पिक है लाइटरूम से अभी खींची हुई, तो उसे HD में कितने मेगापिक्सल की यहाँ पे हुई है। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हो इसका, यहाँ पे डिटेल्स में यहाँ पे मैं जाऊँगा, और यहाँ पे इसका साइज़ आप देख ही सकते हो। तो यहाँ पे देख ही सकते हो कि कितना ज़्यादा यहाँ पे साइज़ बढ़ चुका है इसका। तो यार ये वाला ट्रिक आपको पसंद आया तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना,
और चलते हैं लास्ट टिप की ओर। तो यहाँ पे लास्ट ट्रिक में आपको एक लाइटरूम का मॉड एपीके में यहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। अगर आप चाहते हो कि इसका पार्ट टू मिले आऊँ तो यार कमेंट कर देना बस।